वह सब मानवता चिन्ह देख रहे हैं। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेश, आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश के डॉक्टर विजय कुमार पुरे जी हैं और इनका एक स्पेशल मल्टी हॉस्पिटल वंदना मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल है, उसके संचालक भी हैं। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के फादर कल उस हॉस्पिटल में आए और उस हॉस्पिटल का अवलोकन भी किया उन्होंने और वहाँ के जितने भी समस्त डॉक्टरों से मिलकर उनकी सेवा भावना से वो काफ़ी प्रभावित हुए और वहाँ के डॉक्टर स्टाफ को भी स्वागत किया। उसमें विजय कुमार पुरे जी भी थे। तो सबसे पहले तो हम आज उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे खास चर्चा भी करेंगे क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के एकमात्र न्यूरोसर्जन डॉक्टर भी हैं और काफ़ी इनकी मान्यता है। तमाम देश और देश के जो लोग आते रहते हैं, यहाँ तक कि आसाम से भी कुछ पेशेंट आए थे जिनका उन्होंने निःशुल्क इलाज किया, दो सिर वाले बच्चों का इलाज किया और ऐसे ही काफ़ी नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनसे आज गुफ्तगू भी करेंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। सर सर ये बताएंगे कि कल छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री के पिताश्री आपके हॉस्पिटल आए थे वंदना मल्टीकल हॉस्पिटल में और काफ़ी एक घंटा उन्होंने अपना समय भी दिया जी। तो उस हॉस्पिटल में जो क्या क्या खामियां थी, सुनने में आया था कि बहुत सारे जो प्रशासन के लोग हैं या जो और लोग हैं उस हॉस्पिटल को बंद करने के लिए काफ़ी समय प्रयास कर रहे थे, नोटिस भी मिला था प्रशासन से जी। तो ये मामला क्या है और आप इस हॉस्पिटल से इतनी सेवा को लेकर जो पब्लिक खुश है जी, तो लोगों को क्या लगता है क्यों ऐसा स्टेप लोग उठा रहे हैं और दाऊ जी का राशन क्या कहना है वो आपसे मिल करके जो है। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के पिता श्री रावजी नंद कुमार बघेल जी का आगमन बिलासपुर हुआ जी और उनकी दिली इच्छा थी कि एक बार हमारे हॉस्पिटल भी आए। इसी तारतम्य में कल दाऊ जी हमारे हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल का उन्होंने पूरा निरीक्षण किया एवं वहाँ की सुविधाओं से एवं डॉक्टरों के व्यवहार से, स्टाफ के व्यवहार से, मरीजों की संतुष्टि से काफ़ी प्रभावित हुए जी। और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इसी सेवा भावना से हम अपना कार्य करते रहें और हमारे हॉस्पिटल के ऊपर कोई भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी जी। कुछ कमियां छोटी मोटी सभी जगह रहती हैं और शासन द्वारा जो हमको उस कमियों के बारे में बताया गया तो हमने उस सारी कमियों को पूर्ण कर उसका लिखित जवाब माननीय कलेक्टर महोदय को दे दिया गया है जी। कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान के स्वरूप होते हैं, किसी जाति धर्म से नहीं जुड़े होते हैं, उसके बावजूद भी लोगों की जो विचारधारा है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि कब कोई पेशेंट कोई बीमार जब हो जाता है तो अंतिम में उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर ही आगे आता है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग का पेशा एक मानवीय पेशा है जो कि पूर्णतया मानवता पर आधारित है, जिसमें कोई भी जाति धर्म रंग भेद या स्त्री पुरुष में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। डॉक्टरों का पहला कर्तव्य है कि अपने मरीज की जान बचाएं, उनकी सेवा करें और हम एक शपथ लेते हैं और उसी शपथ के अनुसार से ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं जी। हमने सुना है कि आसाम से दो सिर वाले बच्चे को लेकर के कोई गरीब परिवार आया था और उसका आपने 5 लाख से ऊपर भी खर्चा होते उन परिवार का, उसका आपने निशुल्क सेवा करके एक मानवीता का जो काम किया, एक कैसे संभव हुआ? आसाम से लोग आपके पास आकर के इतनी बड़ी इलाज को आपने सफल बनाया। आसाम का जो पेशेंट था आनंद एक बहुत ही अत्यंत गरीब मजदूर परिवार से था और चूँकि एक जन्मजात काफ़ी गंभीर बीमारी थी जिसको ऑक्सीपिटल इंसेफेलोसील कहते हैं जी। वो पहले एम्स दिल्ली में गए थे और वहाँ पर भी उनको ऑपरेशन के लिए मना कर दिया गया था। चूँकि हमारे पिता फादर इन लॉ श्री डी एस पात्रे जी का सामाजिक संपर्क है आसाम में जी, तो उन्होंने ये चीज़ उनको बताई तो उन्होंने
हम रिपोर्ट्स वगैरह मुझे भेजी और पूछा क्या ये संभव है, उनका रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, पर हो जाएगा। हमने फिर उनको यहाँ बुलवाया, पूरा का पूरा एक टीम बना करके उसको सर्जरी को अंजाम दिया। हमारे लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग केस था, एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी चैलेंजिंग केस था, पर अंतिम वो बहुत सक्सेस रहा। बच्चा पूर्णतया स्वस्थ होकर के डिस्चार्ज गया। अब चूँकि ये काम एक सेवा भावना से ही किया गया था और इसलिए उसको पूर्णतया सारी चीज़ें उसकी निःशुल्क कर दी गई। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, ये न्यूरो सर्जन जो आपका डिपार्टमेंट है, ये लोगों के लिए इसके पेशेंट किस हिसाब से आते हैं और क्या लोगों को इसका इलाज के दौरान के लोगों को सहायता मिलता है? क्योंकि न्यूरो सर्जन कहने से बहुत सारे लोग जो ग्रामीण लोग हैं उनको मालूम ही नहीं होता, क्या कहते हैं? देखिए, न्यूरो सर्जन न्यूरोलॉजिस्ट एक दोनों आजकल के समय में न्यूरो की सामान्य परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और करीब करीब आधे से अधिक जनता इस बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित है। सामान्य सामान्य लक्षण होते हैं पर उनका जड़ जो होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइन की नसों से रहता है। साधारण सिर का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, हाथों में पैरों में झुंझुनी, दौरे झटके की बीमारी, ये बहुत सामान्य से लक्षण होते हैं जो कि पेशेंट इग्नोर करता रहता है और आगे चल करके सही जानकारी के अभाव में वो बहुत गंभीर बीमारियों को जन्म लेता है। तो मरीजों से, जनता से यही अपील करूंगा कि सिर का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, झटके, झुंझुनी वगैरह, ये सबको इग्नोर ना करें और जितनी जल्दी हो सके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से समुचित जी राय ले लें। जी, बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर विजय कुमार पुरे साहब, जो छत्तीसगढ़ के एक न्यूरोसर्जन डॉक्टर हैं, काफ़ी अनुभव है उनको। और हम अपने चैनल के माध्यम से हमारा गुड फॉर हेल्थ टिप्स का जो प्रोग्राम आता है उस पर भी हम आने वाले समय में उनको इन्वाइट करेंगे और तमाम देश और दुनिया के जो लोग हैं ऐसे बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी हम लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। समय समय पर डॉक्टर साहब का हम लाभ लेंगे। तो हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़ने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं और सबसे इसलिए भी धन्यवाद करते हैं कि छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉ. नंद कुमार बघेल जी उनके हॉस्पिटल में आए और समस्त डॉक्टरों का, यहाँ तक कि हमारे विजय कुमार कोरे जी का स्पेशल उन्होंने धन्यवाद किया और इस हॉस्पिटल्स को किसी प्रकार का आँच नहीं आने देने का भी उन्होंने बोला और अपने मुख्यमंत्री बेटे को भी कहा कि भाई हम इस हॉस्पिटल को जिंदा बनाए रखेंगे और यहाँ हर सुविधा आम नागरिक को मिले, यही शुभकामना देकर के हो गए हैं। तो मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।